शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा भी आपके लिए जरूरी है, जिसके माध्यम से आप अपने समाज और देश का विकास कर सकते हैं। हर छात्र को अपने गांव के प्रति सामाजिक सेवा का भाव रखना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और सभी चुनौतियों को पार करने के लिए लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज एवं देश की सेवा कर सके। ये बात शासकीय महाविद्यालय कसरावद ने राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कसरावद तहसील के न्यायाधीश विवेक जैन द्वारा छात्र छात्राओं को कही गई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी चाहे न्यायाधीश बने या कलेक्टर या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से परिश्रम करके आप अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मैं खुद शासकीय कॉलेज से पढ़कर न्यायाधीश बना हूं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि न्यायाधीश राकेश भिड़े ने महिला उत्पीड़न दहेज प्रथा महिला कानून के बारे में विशेष धाराओं की जानकारी छात्र छात्राओं को दी। पैरालीगल वॉलंटियर अखिल खान द्वारा भी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। वैसे भी पता है आप सबको, आपके कॉलेज से वो पीला पीला बंगला दिखता होगा, दिखता है? वहीं रहता हूँ मैं, तो आपका पड़ोसी भी हूँ मैं, ठीक है। आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर के साथ साथ सेवा भाव को भी उतना ही महत्व दिया है तथा NSS स्कीम में शामिल होकर सेवा का कार्य कर रहे हैं और सेवा का कार्य सीख रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मतलब यदि आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, किसी दुखी को पीड़ित को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। और हम तो उस देश से आते हैं जिस देश में विदेश से एक महिला आई और उसके अंदर ऐसा सेवा का भाव जगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में समर्पित कर दी और उस महिला को संत की उपाधि दी गई। बता सकता आप में से कोई मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।